नागपुर शहर की ओर से एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंतराव पाटिल के आदेश पर शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर के नेतृत्व में 17 मई को शहर के विभिन्न हिस्सों में विभागीय अध्यक्ष, युवा प्रमुख, मोर्चा और प्रकोष्ठ प्रमुख सभी वार्डो अध्यक्षों ने ईंधन, खाद्य तेल और खाद्य की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध किया और इसका आंदोलन किया। कोरोना संक्रमण के चलते शहरी और ग्रामीण इलाके लोगों की हालत खस्ता हुई है। ऐसा होने के बावजूद पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल और खाद के दाम केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए हैं। ऐसा कर केंद्र सरकार नागरिकों की जान से खेल रही है। चीजों के बढ़े हुए दाम आम नागरिकों की सहनशीलता से परे है। कोरोना और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसान इस बात को लेकर परेशान है कि खाद के बढ़ते दाम से खेती कैसे करे। लॉकडाउन में तमाम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद है, जिससे सभी व्यापार ठप पड़े हुए है, जिससे किसानों की कृषि उपज खराब हो रही है। महंगाई 10.49% है, जो 11 साल में सबसे ज्यादा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने खाद और आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ाकर आम आदमी के जीवन में दहशत का माहौल बना दिया है। इस मूल्य वृद्धि के चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया और इस मूल्य वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा, ऐसी चेतावनी शहर अध्यक्ष अहिरकर द्वारा दी गई है। यह आंदोलन शहर के अलग अलग हिस्सों में किया गया है। दीनानाथ पड़ोले, प्रदेश उपाध्यक्ष बजरंग सिंह परिहार, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सेवादल जनाब जी मस्के, नागपुर शहर के प्रवक्ता श्रीकांत शिवनकर, दक्षिण नागपुर के अध्यक्ष अशोक काटले, पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष शैलेश पांडे, मध्य नागपुर के अध्यक्ष मिलिंद मानापुरे, उत्तरी नागपुर के अध्यक्ष विशाल खांडेकर, छात्र अध्यक्ष रवि पराते, सामाजिक न्याय विभाग के अध्यक्ष महेंद्र भांगे, सेवादल अध्यक्ष सुरेश करने, कामगार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विक्रम परिहार, उपाध्यक्ष प्रशांत बनकर, हिंदी भाषा के अध्यक्ष संजय तिवारी, निसार अली, कनीजा मैडम, अशोक राउत, विनोद कावली, कार्यालय सचिव आकाश सिमनकर आंदोलन के दौरान उपस्थित थे। बीसीएन न्यूज के लिए स्वाति कुंभलकर की रिपोर्ट।